जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सिद्दीकी सर स्नैपसॉल से आप सभी का स्वागत करता हूं स्नैपसॉल यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करते हैं, मतलब किसी भी बड़े से बड़े नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं 5 से 10 सेकंड के अंदर। इससे पहले हमने जो वीडियो में सीखा था वो सीखा था कि वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, वो वीडियो को देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो है तो वर्ग निकालना वहां सीख लीजिए। फिर इस वीडियो में हम डिस्कशन कर लेते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, मतलब वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक, पहले कुछ नंबर का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। वर्गमूल फाइंड करने के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कुछ नंबर का स्क्वायर जान लीजिए। आप बेसिक 1 से लेकर 10 तक का, 1 to 10 का स्क्वायर आप जान लीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है विद्यार्थी 9, 4 का होता है 16, 5 का हो जाएगा 25 और 6 का हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81 और 10 का हो जाएगा 100। ये जनरल है, 1 से लेकर 10 तक का हमें याद करना पड़ेगा, मतलब माइंड में बैठाना पड़ेगा। अगर ये भी निकालना नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताया, 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे हम फाइंड करते हैं 5 से 10 सेकंड में। तो आज जानेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको आप जनरली आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, मतलब इतना अपने माइंड में रखे रहेंगे आप तो आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप इजीली 10 से 5 सेकंड के अंदर फाइंड करेंगे। चलिए एक एग्जांपल आपके लिए लाया हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंडर रूट 2025, इसका स्क्वायर रूट अपने को फाइंड करना है 2025। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप राइट साइड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो भी नंबर दिया रहे उसके राइट साइड से आप 2 डिजिट, स्क्वायर रूट का मतलब 2 डिजिट याद रहे, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है 2, तो 2 डिजिट को आप छोड़ दीजिए, मतलब 2 अंक को छोड़ दीजिए। अब देखिए नंबर बचा क्या है, 20, क्या बचा है 20। अब यहाँ ढूंढिए कहीं 20 आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, लेकिन 2 संख्याएँ ऐसी दिख रही हैं जिनके बीच में 20 हो सकता है, 16 और 25 के बीच में 20 हो सकता है, मतलब ये 20 यहाँ कहीं नहीं है लेकिन 20 से कम है थोड़ा और 20 से ज़्यादा है, मतलब 16 और 25 के बीच में 20 आएगा, तो हमें इन दोनों में से छोटा नंबर ले लेना है। तो दोनों में 25 और 16 के बीच में 20 आएगा, तो इन दोनों में छोटा कौन है 16, और ये किसका स्क्वायर रूट है 4, मतलब ये 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, तो मतलब 4 का वर्ग 16 है, तो हमने 20 की जगह पर नोट कर दिया विद्यार्थी 4। अब देखो यहाँ पर क्या करो, अब देखो 5, यहाँ पर 25, 25 के लास्ट में क्या आया हुआ है 5 आया हुआ, तो यहाँ पर देखो कहीं पर 5 आया हुआ है, यहाँ पर 5 आया हुआ है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है 5 का, तो 5 नोट कर दीजिए, और इसका आंसर क्या मिला 2025, 2025 किसका स्क्वायर है 45 का, मतलब इसका स्क्वायर रूट मिलेगा अपने को 45, और यही हो जाएगा हमारा आंसर विद इन, देखिए 5 सेकंड में कैसे हमने निकाल दिए। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, नहीं समझ में आया तो अभी आगे समझाता हूँ, इसमें समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले नए नए अपडेट्स के लिए। तो चलिए अभी मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ एक और। तो देखिए अभी दूसरा हमने सेकंड एग्जांपल ले लिया 4489, इसका स्क्वायर रूट अपने को फाइंड करना है 4489, 4489। तो हमने बताया राइट साइड से 2 डिजिट को आप छोड़ दीजिए, 2 अंकों को आपने छोड़ दिया। अब देखो बचे क्या हैं, ये बचा है 44, अब यहाँ पर देखो कहीं पर 44 आया हुआ है, 44 तो नहीं है लेकिन उससे जस्ट कम और उससे जस्ट ज़्यादा, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ये 2 नंबर के बीच में अपने को दिख रहा होगा 44 आएगा, 36 और 49 के बीच में ये आ जाएगा 44, इन्हीं दोनों के बीच में, लेकिन हमने बताया उनमें से जो छोटा हो, तो छोटा कौन सा है 36, तो ये किसका स्क्वायर है 6 का, तो इसकी जगह 44 की जगह आ गया 6। अब बचा क्या है 89, तो अब देखो 9, ये लास्ट वाला नंबर है 89 में 9 कहीं पर आया हुआ है, तो अपने को दिख रहा होगा अभी इससे पहले वाली एग्जांपल में 5 आया था तो 5 एक ही जगह था, अभी 9 दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, तो ये किसका है 3, मतलब 9 के प्लेस पे अपने को 2 नंबर मिले, पहला नंबर क्या मिला 3 और दूसरा नंबर क्या मिला 7। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी ये दोनों का हमेशा प्लस 10 होगा, मतलब 3 और 7 को जब मैं ऐड करता हूँ 3 7 तो कितना होगा 10,
तो मतलब अगर यहाँ पर हमने कोई भी नंबर लाया, अगर दो मिल रहा है वो दो में आ रहा है, तो जान लो अगला आठ में भी वो नंबर होगा। हमेशा याद रहे 8, 2, 10, मतलब अगर पहले स्क्वायर दो मिल रहा है तो दूसरे का स्क्वायर रूट 8 होगा, ये चीज़ ध्यान रखें। वो नंबर मतलब 8 में, तो जैसे 3 में अगर 9 है तो अगला नंबर 7 होगा, क्योंकि 7, 3, 10 जोड़ लीजिएगा, 7, 3, 10, तो मतलब अगला नंबर 10 बना लेना, बस 10 बना लेना, समझ लेना उसमें भी वो नंबर होगा। तो अब देखो, लेकिन दो नंबर आ गए तो अब अपने को लिखना कौन सा है ये जानेंगे, क्योंकि 9 3 में भी है और 9 7 में भी है, 3 के स्क्वायर में भी 9 है और 7 के स्क्वायर में भी, लेकिन लिखना कौन सा है। तो एक सिंपल सी ट्रिक, बस ये आंसर क्या मिला था आपको यहाँ पर 6, तो इससे एक बड़ा नंबर ले लीजिए, 6 से बड़ा क्या होगा 7, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7, 6, 42, क्या आ गया 42। अब इसको चेक कर लो, इससे क्या लिखा हुआ है, ये 44 और ये क्या लिखा हुआ है 42, ये ज़्यादा है ना, 42 छोटा है और 44 बड़ा है, अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला नंबर ले लेना और यही हो जाएगा आंसर। अगर मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिले इससे अगर ये छोटा रहे तो छोटा वाला ले लेना, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए, अगर इससे ये नंबर बड़ा रहे तो इनमें से बड़ा जो रहेगा, जो दो आपको मिलेंगे उनमें से जो बड़ा रहेगा वही आप नोट कर लीजिए। मतलब इसका स्क्वायर रूट अपने को मिला 67 और यही हो गया हमारा आंसर। देखिए ट्रिक, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर विद इन सेकंडों में आप उड़ा देंगे, लेकिन अभी क्या है आपको कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम जा रहा है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखिए इसको मैं करता हूँ रफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके और दोस्तों तक पहुँचाइए और स्टूडेंट को जोड़िए। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 9409, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 9409। हमने क्या ट्रिक बताया आप बताइए, करना क्या है, राइट साइड से दो नंबर को छोड़ देना है, फिर ये नंबर को जो बचा हुआ नंबर है उसको देखना है कहीं पर आया हुआ है, इसको मैं कर दिया रफ क्योंकि ये पुराना एग्जांपल में था। तो देखो 94 कहीं आया हुआ है, 94 तो नहीं आया है, लेकिन ये 94 दो नंबर के बीच में हो सकता है, 81 और 100 के बीच में, 81 और 100 के बीच में 94 बैठेगा, तो इनमें से हमने बोला छोटा जो रहेगा, दोनों में से छोटा कौन है 81, ये किसका हो गया स्क्वायर 9 का, तो मतलब इसके प्लेस पर हमें मिल गया 9। अब हमने बोला लास्ट वाला नंबर सिर्फ देख लेना 9, तो 9 यहाँ आया है, 9 यहाँ आया है, मतलब 3 में और 7 में, तो 9 के प्लेस पर दो नंबर मिल गए 3 और 7। लिखना कौन सा है, तरीका क्या है, बस ये 9 जो आया है उसको नोट करो, उससे एक बढ़ा लो नंबर 10, उससे एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर लो, 9, 10, 90। तो अब चेक करो ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, मतलब बड़ा वाला लेना पड़ेगा, 97 का आंसर हो गया ये, मतलब 9409 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 97 का, मतलब इसका स्क्वायर रूट 97 आ गया। देखिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको रफ करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेके रखते जाइए और एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आप अपने मर्जी से भी बड़ा सा बड़ा नंबर लेके इसको सॉल्व करते रहिए, देखिए ट्रिक काम करती है, अगर करती है तो कमेंट करके बताएं जरूर। इसको भी मैं कर देता हूँ रफ, एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखिए एग्जांपल एक और ले लिया, यहाँ पर आ गया 5041, 5041। हमने क्या तरीका बताया, फिर वही पुराना मेथड, दो नंबर को छोड़ दीजिए राइट साइड से, फिर जो बचे ये देखो क्या बचा है 50, देखो कहीं पर आया हुआ है, यहाँ है, दो नंबर के बीच में मिल जाएगा, 49 और 64 के बीच में 50 आएगा, तो हमने बोला उनमें से छोटा वाला नोट कर लो, छोटा वाला क्या हो गया 7। अब देखो लास्ट में क्या बचा हुआ 1, बस लास्ट वाले नंबर से मतलब है, तो 1 देखो एक बार यहाँ आया हुआ है, तो ये किसका है, 1 के प्लेस पे दो नंबर आ जाएंगे, एक बार 1 आ जाएगा, तो हमने एक तरीका और बताया था, एक आ जाए तुरंत इतना जोड़ो कि 10 हो जाए, तो क्या जोड़ू 9, तो देखो 9 पर भी 1 आया हुआ है, मतलब 1 यहाँ है और 1 यहाँ भी है, एक पर भी और 9 पर भी, लेकिन लिखना कौन सा है, इसके लिए ये नंबर नोट करो और इससे एक बड़ा 7, 8, 56। अब चेक करो ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, 50 छोटा है 56 से, इसके बाद छोटा वाला नोट कर लो, बस हो गया आंसर 71, मतलब 5041 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 71। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट्स रहे तो कमेंट में बताइएगा, और अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अगला वीडियो उसी पे बनाएं, जो टॉपिक आपको नहीं आता वो टॉपिक बताइए, हम उस पे वीडियो बनाएंगे और ट्रिकी शॉर्टकट बनाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल नेक्स्ट हो गया 6889। चलिए इसको हमने ले लिया, हमने क्या बोला कि राइट साइड से दो को छोड़ दीजिए आप, फिर देखो 68 कहीं पर आया हुआ है, यहाँ कहीं आएगा,
देखिए क्या हुआ है, क्या आया हुआ है 6889। तो सबसे पहले हमने बोला राइट साइड से दो नंबर को आप छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, अभी बचा क्या 68। तो यहाँ कहीं पर 68 आ रहा है क्योंकि अपने को 64 और 81 के बीच में आएगा और उसमें से हमने बोला छोटे वाले को लेना है, तो क्या आप ले लिए इसकी जगह पर 8, 8 आ गया। अब यहाँ पर देखो 9, तो 9 यहाँ पर दो जगह पर आया हुआ है, फिर वही रूल, एक बार 3 पर आया हुआ है 9 और एक बार 7 पर आया हुआ है 9, मतलब 3, 7, 10, तो एक बार 3 पे आएगा, एक बार 7। लिखना कौन सा है इसके लिए तरीका, 8 से बड़ा नंबर, 8, 9, 72। अब देखो ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये छोटा है, छोटा वाला लिख दीजिए और यही हो जाएगा आपका आंसर। हमें उम्मीद है हमने 5 से 6 एग्जाम्पल लिए और सारे सटीक एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इससे ज़्यादा डाउट है मैथ्स में प्ले स्टोर पर जाइए और इस स्नैप सॉल्व ऐप को डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।